मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में आज मध्य प्रदेश सुबह की 10 बड़ी खबरें। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउनलोड के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक अच्छे अच्छे से 12वीं आईटी जी नेट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड फॉर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए, डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। अरे रोज मिल रहे हैं कोरोना के करीब 40,000 मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के केसों का आंकड़ा भले ही तेजी से बढ़ नहीं रहा, लेकिन नए मामलों की रफ्तार न घटने से चिंता बनी हुई है। सोमवार को सुबह एक बार फिर से पिछले एक दिन में 39,361 नए केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले रविवार को भी 39,742 नए केस पाए गए थे। साफ है कि कोरोना के नए केसों का आंकड़ा खतरे के निशान के करीब बना हुआ है, यानी लगातार 40,000 के आसपास नए केस मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही कोरोना के केसों में तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन रफ्तार न घटना भी चिंता की वजह है। नए केसों की कमी न आना कोरोना की तीसरी लहर की जमीन तैयार होने जैसा है। सोमवार को एक तरफ नए केस 39,000 के पार है, तो वही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 35,968 ही रही है। इसके चलते एक दिन में देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। भारत में रविवार को एक्टिव केसों की संख्या 408,212 थी, जो अब बढ़कर 411,000 के पार है। आज फिर जमकर बरसात, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, झमाझम बारिश के बीच राजधानी में सामान्य माह की शुरुआत हुई है। वही मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बंगाली गाड़ी से आगे बड़ा कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य में बना है। मानसून ट्रफ भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है, इस वजह से पूरे प्रदेश में रुक रुक कर तेज व मध्यम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इसके चलते भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, सागर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी के तहत ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को कही गई 115 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। जी हाँ दोस्तों, 28 जुलाई को बंगाल की गाड़ी में एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके बाद एक बार फिर बारिश की गतिविधियां पूरे प्रदेश में तेज होने लगेगी। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम 29 जुलाई को होगा घोषित। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 29 जुलाई को घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन ही घोषित करेगा, इस बार प्रणय सूची जारी नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार कक्षा 12वीं की अंक सूची में कक्षा 10वीं के 5 मुख्य विषयों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 10वीं के सभी विषयों से 12वीं के विषयों की मैपिंग का रिजल्ट बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस साल 12वीं की परीक्षा में 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। वर्ष 2020 में 12वीं में 69% और 2019 में 72.37% परीक्षा परिणाम रहा था। जहरीली शराब से मौत के मामले पर कमलनाथ ने उठाए शिवराज सरकार पर सवाल, कही ये बातें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के गृह क्षेत्र में जहरीली शराब, 3 लोगों की मौत होने के मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार के तमाम दावों के बाद ही प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार रिले से चल रहा है। वही इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जी हां दोस्तों, वही दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना को लेकर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश के उज्जैन, मुरैना, भिंड, ग्वालियर के बाद प्रदेश के मंदसौर जिले के कंगराई गाँव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत व कुछ लोगों की गंभीर हालत की खबर सामने आई है। प्रदेश के आबकारी मंत्री के क्षेत्र की ये स्थिति पता नहीं शिवराज सरकार में माफिया कब टंगेंगे, कब गड़ेंगे, कब लटकेंगे प्रदेश में माफियों के हौसले बुलंद। जी दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद हो, सीएम शिवराज की पूर्वी घोषणा अनुसार दोषियों व जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 1 अगस्त से हट सकता है नाइट कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में आ चुका है। ऐसे में राज्य सरकार अब प्रदेश को पूरी तरह अनलॉक करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें संभव है कि 1 अगस्त से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हटाने पर विचार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में आज कई जिलों का फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाए जाने के साथ कोचिंग क्लब आदि गतिविधियां भी शुरू करने का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि अभी कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि कई राज्यों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है और वहां पूरी तरह अनलॉक हो गए हैं।
दिसंबर में होगी प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक बार फिर प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी वर्ग 3 के लिए शेड्यूल तय कर दिया गया। इसके तहत दिसंबर एवं जनवरी में यह परीक्षा ली जा सकती है। हालांकि अभी परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई। इस परीक्षा में प्रदेश भर से 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पीईबी के शेड्यूल अनुसार पूर्व में ये परीक्षा 25 अप्रैल 2020 से शुरू होना थी, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे और लॉकडाउन के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। कैबम ने सन 2013 में शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की थी, जिसके लिए करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर है। वित्त विभाग ने जारी किए ये आदेश। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के समान महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से बताया गया कि शासकीय सेवकों की दिनांक 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से दिए जाने के निर्देश हैं। जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई और जनवरी माह में देय होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, आप निवेश करें सरकारें देगी सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। 1 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य लेकर चल रही शिवराज सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण है। सरकार रियायती मूल्य पर भूमि, बिजली तथा उद्योगों के लिए हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा रही है। आप निवेश कीजिए और क्षेत्र का विकास कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 17 जुलाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगों के विकास और आत्मनिर्भर बुरहानपुर के रोड में बनाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बुरहानपुर के उद्योगपतियों को भोपाल आमंत्रित किया था। इसके बाद आज सोमवार को बुरहानपुर पावर लूम टेक्सटाइल क्लस्टर के निवेशकों ने मंत्रालय में मुलाकात की। स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को दी बड़ी राहत, निर्देश जारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में छात्रों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है। जी हां दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत अभिभावकों उनके क्षेत्र के स्कूल और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनके बच्चों को स्कूल में सीट आवंटित की जा रही है। पूर्व में ये तारीख 26 जुलाई 2021 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 जुलाई 2021 कर दिया गया है। योग और आयुर्वेद के लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग और आयुर्वेद के लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज दुनिया के 180 देशों में योग को अपनाया गया है। आयुर्वेद देश एवं दुनिया के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। कोविड काल में प्रदेश में बड़ी संख्या में योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से लोगों ने स्वस्थ लाभ लिया। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए रोजगार सृजन और आजीविका के साधनों की मजबूती के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरण संबंधित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल सके तथा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को रोजगार एवं आजीविका मिल सके, इसके उद्देश्य से देवरण योजना बनाई गई है। इस योजना को तीव्र गति से क्रियान्वयन किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।